एचपी लेजर जेट प्रो M501 एचपी लेजर जेट। इसमें फ्रंट और रियर डोर का ओपन है का एरर आ रहा था, और इसमें कोई भी इंजन मूवमेंट नहीं कर रहा था, इनिशियलाइज नहीं हो रहा था। तो इधर हाई वोल्टेज यहाँ पे इधर पीसीबी लगी हुई थी, तो आप इधर देखोगे तो यहाँ पे क्या है, शॉर्ट भी किया गया था यहाँ पे, R&D भी यहाँ पे जम्पर लगा के सब कुछ चेक कर लिया था, R&D तगड़ी वाली हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ईसीयू होता है, इंजन कंट्रोलर कार्ड, पावर सप्लाई से यहाँ पे एक लॉजिक कार्ड कनेक्ट होता है, इसके अपोजिट साइड एक प्लेट होता है। तो मैं इस टाइम ना लगाते हुए इसीलिए मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आता हूँ। तो इसका ये पीसीबी है, ठीक है, ईसीयू कंट्रोलर, इसका पार्ट नंबर आप सर्च करके देख सकते हैं ओवर गूगल। तो यहाँ पे कैनन और एचपी की सेम कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पे इसका हाई वोल्टेज का कनेक्टर लगता है ईसीयू का, ठीक है, और इसके अपोजिट साइड देखेंगे पीसीबी में, तो देखिए यहाँ पे 2.5 एम्पियर का 32 वोल्ट का फ्यूज दिया है। यहाँ पे देखिए फ्यूज 302, ठीक है, तो हम इसको चेक करेंगे और डिटेल में फिर हम लगा के देखेंगे। जो फ्रंट और रियर डोर का ओपन का एरर आ रहा था, इनिशियलाइज नहीं हो रहा था, इसका पार्ट नंबर है RM2, अब देखिए 7950, ठीक है, फिर हम चेक करेंगे प्रिंटर में लगा के, आपको दिखाएंगे, सब इनिशियलाइज करना चाहिए, 100% काम करेगा। ठीक है, तो फिलहाल इसको हम क्या कर लेते हैं, जो फ्यूज़ है चेक कर लेते हैं। इसके लिए हम बीप पे अपना मल्टीमीटर रखेंगे और हाथ के हाथ इसको चेक कर लेंगे, फ्यूज का काम जो होता है उसका हमें इम्पीडेंस यहाँ पे मिलना चाहिए बीप पे। देखिए यहाँ पे कोई बीप नहीं आ रहा है प्रॉपर तरीके से, जूम करके दिखा दें, जूम करके भी देखिए और फोकस, तो यहाँ नॉर्मल यही जूम हो सकता है, ये देखिए कोई बीप नहीं आ रहा, इसको टच करूँ तो बीप करना चाहिए। तो इसको एक ही सोल्यूशन है, इसको हटाइए और यहाँ पे जम्पर लगा दीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक वायर का जम्पर ले रहा हूँ और इसको हटा के जम्पर लगा दूंगा हाथ के हाथ, ये देखिए हटा दिया, मैं एक वायर लूँगा सिंपल और इसको जम्पर लगा दूंगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को, तभी आपको समाधान मिलेगा। मैं लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता, इसलिए शॉर्ट टर्म वीडियो बनाओ, कुछ सॉल्यूशन इंस्टेंट मिले। ठीक है, काफ़ी दिन बाद एक प्रिंटर का वीडियो डाल रहा हूँ जो क्रिटिकल फॉल्ट में, तो इस तरह से आप अपना स्पेयर का कॉस्ट बचा सकते हैं। तो ये हमारा जम्पर लग चुका, बजर को जम्पर को चेक कर लेते हैं प्रॉपर लगा या नहीं। तो जिंदगी क्या जिंदगी है, प्रॉपर तरीके से लगा जम्पर हमारा, कोई दिक्कत नहीं है, देखिए यहाँ भी काम कर रहा है। ओके, और एक यहाँ पे 472 का रेजिस्टेंस लगा, एक फ्यूज यहाँ भी है, इसको भी हम चेक कर लेंगे, देखिए फ्यूज ओके ओके, इसको भी आप चेक कर लेना, नहीं तो पता चले ये भी फ्यूज ओपन है, फिर आपका काम अधूरा ही यहाँ पे रह जाए, देखिए ओके ओके। तो इसको हमने लगा लिया, अब चलिए चेक करके देखते हैं और चेक कर लेते हैं डिटेल में। तो ठीक है, सब कुछ, कोई भी फ्यूज ऐसा नहीं दिख रहा, ठीक है, और इंटरनल की बात करें तो यहाँ भी कोई फ्यूज ऐसा नहीं दिख रहा जो ओपन हो सके। ठीक है, चलिए अब बोर्ड में लगाते हैं, देखते हैं। ले लो सलमान भाई, लगाओ। दो पेच लगा लें रोशन,
वगैरह लगा लो, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रिंटर से रिलेटेड या वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हर कमेंट का आंसर देते हैं। आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं, हर वीडियो हर पर्सन का रिप्लाई करता हूँ, बट जेन्युइन क्वेश्चन आपका होना चाहिए। ऐसा कनेक्शन देख लीजिए, सही से होना चाहिए। ठीक है, परफेक्ट। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट है और हम ऐसे करते रहते हैं, आपको भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो थोड़ा पॉज कर देते हैं वीडियो को, जैसे ही लगा लेते हैं कनेक्शन आपको दिखाते हैं। सजेशन आप लोगों के लिए, कनेक्शन लगाने के बाद ही पेंच वगैरह लगाइए, कनेक्टर नीचे पीछे पीछे भी में रह जाते हैं, क्योंकि वीडियो बनाने के चक्कर में जल्दी जल्दी ये काम लॉन्ग ना हो, तो इस वजह से। ठीक है, और ये जो दो केबल्स हैं इनको केयरफुली लगाना होता है, जैसे आप देखेंगे इधर, ये देखिए। ठीक है, लगा गया। और एक और केबल रहेगी, तो ये फाइनल कनेक्शन करने के बाद ये पीसीबी सामने लगा देंगे। और चेक कर लेते हैं इनिशियलाइज हो रहा है कि नहीं, उसके बाद हम इसको पैक करेंगे अच्छे से, नहीं तो फिर से हमें दोबारा खोलना पड़ जाएगा। जो हमारा प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है ऑलमोस्ट, बस एक एक पेच लगा लो, बस एक इधर लगा लो। बस अब ऑन करो प्रिंटर को, डिस्प्ले लगा के। तो खोल ना इसको, देखिए ऑन हो चुका है प्रिंटर। अब देखते हैं क्या एरर आता है पर्टिकुलर, फटा ही लगी है ना। अब रियर डोर ओपन दिखा रहा है, फ्रंट डोर का एरर जो है हमारा हट चुका है। देखिए देखिए प्रिंटर भी इनिशियलाइज हो चुका है, लोड पेपर का मैसेज आ चुका है, प्रिंटर हमारा डन हो चुका है रिपेयर होकर, देख सकते हैं। और इंजन भी हमारा इनिशियलाइज हो गया। दोबारा एक बार छोड़ना, दोबारा क्लोज करो। तो अब लोड पेपर का मैसेज आ रहा है। ठीक है, चलिए एक टेस्ट पेज लेते हैं दबा कर रखना, पेपर ट्रिल है ना, ट्रिल। तो वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे काम कुछ भी सपोर्ट करना चाहता है तो हमारे थैंक्स बटन को ज्वाइन कर सकते हैं, हमें कुछ भी सपोर्ट कर सकते हैं ऐसे वीडियो बनाने के लिए।
और भी हम क्लियरिटी के साथ बना सकते हैं। ठीक है, और सेटिंग में जाएंगे। पीछे नहीं नहीं उससे पे टेस्ट पे तो आ जाएगा, ये कंट्रोल पैनल भी खराब है। ठीक है, ज़्यादा हार्ड प्रेस करना पड़ेगा। रिपोर्ट निकाल लेते हैं, डेमो। ओके, फ्यूजर भी ढंग से पैक नहीं था, इसी वजह से नॉइज आया। देखिए यहाँ पे M4501 का टेस्ट पे जा चुका है और परफेक्टली काम कर रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।